हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विथ सीए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे गेट 2025 के फॉर्म भरने के संबंध में और इसके नोटिफिकेशन के संबंध में, और इससे संबंधित जानकारी आज अपन इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। गेट 2025 का फॉर्म फिलअप के लिए सर्वप्रथम आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और वहाँ से आपको गेट 2025 यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ये साइट नज़र आ जाएगी। और इसके संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी पेपर वगैरह डाउनलोड करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स है और पेपर सिलेबस के संबंध में है, एलिजिबल क्राइटेरिया के संबंध में है, तो यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, वरना अपन होम पेज पर जाके भी इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सर्वप्रथम ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियर के अंतर्गत है जो 2025 के संबंध में है। यहाँ पर इसका होम पेज ओपन हो जाता है जिसके अंतर्गत आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जो लिंक है वो भी चल रही है, आप इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आप आगे भी इसकी जानकारी मिल जाएगी, एप्लीकेशन के संबंध में है और एग्जाम सिटी के संबंध में, एलिजिबल क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट डेट है। इसके अलावा आप ऊपर से यहाँ पर देख पा रहे हैं पेपर के संबंध में, यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं जो पेपर का पैटर्न है, सिलेबस है और टेस्ट पेपर के संबंध में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं और आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपन फॉर्म भरने का प्रोसेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कुछ समय लेगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है जो कि होम पेज है अपने फॉर्म फिलअप का। यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है जो कि अपने पास में अभी एनरोलमेंट नहीं हुआ है, तो आपको सर्वप्रथम रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके अपने को रजिस्टर कर लेना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन अपने को यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, अपना मिडिल नेम और आपका सर नेम है तो वो यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद में जो कैंडिडेट का फुल नेम है वो यहाँ पे दर्ज करने के बाद में आपको कंफर्म करना है, जो कि आपके आईडी प्रूफ है, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दर्ज करना होगा। जैसे यहाँ पर अपन ओपन दर्ज कर लेते हैं तो वो सारा यहाँ पे शो हो जाता है। अब अपने को यहाँ पे कन्फर्म करना है, यहाँ पे देख पा रहे अपना नाम शो हो जाएगा और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस दर्ज करना है, ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है यानी कि दो बार दर्ज करना है। उसके बाद में कंट्री ऑफ रेजिडेंसी दर्ज करना है, इंडियन है या अदर है, इंडियन है तो इंडिया पे टिक करना है, अदर है तो अदर पे टिक करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर कंफर्म करना है और एक आपको पासवर्ड भी बनाना है। और पासवर्ड आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बाद में आप यहाँ पे डिजिट भी सिलेक्ट करना है, इस तरीके से आपको बनाना है पासवर्ड। और फिर अपने को यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करना है और कैप्चा दर्ज करने के बाद में आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज कर दी है, अब अपने को रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको एनरोलमेंट आईडी है वो आपके ईमेल पे भेज दिया गया और जो अपने मोबाइल नंबर दर्ज करना है उसके अंतर्गत भी आपको यहाँ पे एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अब अपने को लॉगिन कर लेना है, जहाँ पर आपको एनरोलमेंट आईडी, ईमेल एड्रेस वो भी दर्ज कर सकते हैं, आपने जो पासवर्ड बनाया वो, फिर आपको कैप्चा दर्ज करने के बाद में आगे चलना है। तो आपको लॉगिन कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लॉगिन हो चुके हैं, अपना एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। यहाँ पर आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, ब्राउजर है, उसको डाउनलोड करके एक बार उसको भी चेक कर लें, जो आपका नोटिफिकेशन है और उसके बाद में जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो भी, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब अपने को यहाँ पे टिक करना है और फिर आपको स्टार्ट फिलिंग गेट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अपने को सर्वप्रथम एग्जाम डिटेल वो दर्ज करनी है। सर्वप्रथम आपको पूछता है जो टेस्ट पेपर है उसके लिए आप अपेयर होना चाहते हैं एक में, दो में, तो वो आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट या सेकंड जो भी आपको कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्राइमरी पेपर है जो फर्स्ट पेपर है उसको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में आप किस क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू पे करना होगा और आपको एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी होगी कि आप अपना एग्ज़ाम कहाँ लेना चाहते हैं। एग्जाम सिटी यहाँ पर दर्ज है सारी, वो आप एक बार देख लें। उसके बाद में आपको सेकेंड एग्जाम सिटी भी सिलेक्ट करना होगा और थर्ड एग्जाम सिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सेव पे क्लिक करना होगा, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सारी डिटेल आ चुकी है, आपका नाम भी आ चुका है जो कि एडमिट कार्ड में इस तरह से होगा। उसके बाद में आपको DOB सेलेक्ट करनी है, ये जो DOB है वो आप DOB सेलेक्ट कर दें। उसके बाद में जो भी आप डिटेल हैं उसके बाद में एक बार आपको कन्फर्म करना होगा। आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडियन है या अदर है। उसके बाद में आपकी कैटेगरी क्या है वो सेलेक्ट करनी है और आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे जनरल के अंदर EWS है तो आपको यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया दे सकते हैं। कोई डिसेबल स्टूडेंट है वो येस कर सकता है, वरना आपको नो करना है। और फिर आपका कंट्री कौन सा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपका स्टेट कौन सा है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा और आप आईडी प्रूफ क्या दे रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। आईडी प्रूफ का जो नंबर है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना पेरेंट्स नेम दर्ज करना है और पेरेंट्स से क्या रिलेशन है वो यहाँ पे दर्ज करना होगा। जो आपने पेरेंट्स नेम दर्ज किया वो फादर है, मदर है या सपोज है या लीगल गार्जियन है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको पेरेंट्स है वो इंडियन है या अदर है वो सेलेक्ट करना है।
और आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दर्ज आपको करना होगा। उसके बाद में सेव करके नेक्स्ट आगे बढ़ना है। उससे पहले आपको ईमेल और आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करना है। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी भेजे जाएंगे। ये ओटीपी आपको डिजिट में और अल्फ़ाबेट में आएंगे, तो वो आप एक बार देख लें अपने मोबाइल में और ईमेल में, फिर आपको सबमिट करना है, सक्सेस हो जाएगा। फिर अपने को आगे बढ़ना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर अपना एड्रेस दर्ज करना है, आपका पिन कोड, आपकी कंट्री, स्टेट, फिर आपका जो टोटल एड्रेस है, और सिटी सेलेक्ट करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे सारा फिलअप करने के बाद में सेव करना होगा और फिर अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आगे अपना क्वालिफिकेशन डिग्री डिटेल दर्ज करनी है, आपका पिन कॉलेज का पिन कोड कहाँ है, कहाँ पर आपका कॉलेज है, कौन से कंट्री में है, स्टेट में है, और कॉलेज सिटी कौन सी है, और फिर आपको इंस्टीट्यूट जो कॉलेज आपने की है उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है, और ये सारी डिटेल आपको दर्ज करनी होगी। जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें से आपने कौन सा कोर्स किया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फिर आपका डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफिकेशन डिग्री का क्या है रहा है, आपका कौन सी रही है आपकी डिग्री, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और फिर अपने को आगे बढ़ना है। आपका ग्रेजुएशन से ऊपर डिग्री है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आपने किया है तो आप यस कर सकते हैं, वरना अपने को नो करके आगे बढ़ना होगा। आपने कौन से सन में है जो कंप्लीट की है डिग्री वो सेलेक्ट करना है, और आपको अपना इंस्टीट्यूट का नेम दर्ज करना है और कॉलेज का नेम दर्ज करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे करना होगा। सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब अपने को यहाँ पे सावधानी रखनी है, डॉक्यूमेंट फिलअप के समय अपने को अपना जो लेटेस्ट कलर फोटो है वो अपलोड करना होगा, जो कि यहाँ पे साइज भी दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको दर्ज करना है। उसके बाद में आपको सिग्नेचर दर्ज करना है और फिर आपको आईडी प्रूफ दर्ज करना है, यानी कि आपको स्कैन करना होगा जो भी आपने पहले जो सेलेक्ट की थी आईडी उसका। उसके बाद में अपने को यहाँ पे आगे बढ़ना है। फिर आपको गेट 2025 की है जो जानकारी कैसे मिली तो उसके संबंध में है, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी को, और फिर आपको सेव करना है। फिर फॉर्म को आपको व्यू करना है, एक बार देखना है, और देखने के बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने अपना फोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, और आपको पीडीएफ में है जो आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा, जो कि फोटो युक्त होना चाहिए। फिर अपने को सेव पे क्लिक करना है, सेव हो चुका है। अब अपने को आगे बढ़ना है, फॉर्म को व्यू एक बार कर देना है। यहाँ पे जो आपने फॉर्म फिलअप किया वो एक बार शो हो जाएगा, इसको अच्छी तरह देख लें और उसके बाद में फॉर्म को कंफर्म करें। किसी भी तरह की कोई भी आपको एडिशन करना है तो आप एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म ओके है, कंप्लीट है, तो आप यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिख रहा है इस पर टिक करना है, और फिर अपने को ई सिग्नेचर करना होगा, यानी कि आपका अपना नाम दर्ज करना है। आपको फॉर्म को वेरीफाई कर लेना है, यानी आपका फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, एक बार आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में आपको फॉर्म को सबमिट करना है और आपको अपनी फीस डिडक्ट करवानी होगी। यहाँ पे कंटिन्यू करना है और आप फीस वाले टैब पे चले जाएंगे। यहाँ से अपने को जो फीस है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दी गई है, उसको भी आपको चेक करना है। आपको कैप्चा दर्ज करना है, उसके बाद में पे करना है। आप अपना फीस है जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। अगर इसके संबंध में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में दे दें, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।